Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. राजेंद्र नगर के जिस इंस्टीट्यूट के अंदर हादसा हुआ जिसमें 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई, दरअसल ये हादसा हुआ कैसे, हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। लगभग 6:30 बजे के आसपास इस पूरे इलाके में जबरदस्त बारिश हो रही थी। तकरीबन 7 बजे के आसपास दिल्ली फायर को ये कॉल मिली कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर बेसमेंट में पानी जो है वो भरा है और उसमें कई सारे स्टूडेंट जो है वो फंसे हुए हैं। दरअसल ये राजेंद्र नगर का ये पूरा वो मेन रोड है जहाँ पर सड़क पर पानी से लबालब ये पूरी सड़क थी और पानी का फ्लो काफी ज्यादा था। जब इस दौरान यहाँ से एक गाड़ी जो है वो गुजरी और इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा वो मेन गेट है, जिस मेन गेट को अगर आप देखेंगे और समझेंगे कि तकरीबन सड़क से इस पूरे पार्किंग एरिया की जो ऊंचाई है वो पूरा जो स्लोब है तकरीबन 2 से 2.5 फीट का है। सवाल यही है कि 2.5 फीट का ये पूरा स्लोब है तो पानी अंदर गया कैसे। ये लोहे का अगर आप दरवाजा देखेंगे और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लोहे की पूरी चादर है, इस चादर ने पानी के फ्लो को रोक रखा था। जब यहाँ से गाड़ी होकर के गुजरी तो उसने पानी के फ्लो को अंदर की तरफ पार्किंग की तरफ धकेला, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोहे का जो गेट है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि लोहे का जो ये गेट था वो पूरी तरीके से टूट गया और पानी का जो फ्लो है वो तेजी के साथ अंदर की तरफ चला गया और नीचे पार्किंग के जस्ट बेसमेंट है जिसमें तकरीबन 100-150 करीबन बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त तकरीबन यहाँ पर 25 से 30 स्टूडेंट्स मौजूद थे जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और तकरीबन 11 से 12 स्टूडेंट्स उस वक्त यहाँ पर फंसे हुए थे जब पानी का फ्लो तेजी के साथ अंदर की तरफ बढ़ रहा था, उनको बाहर निकाला गया लेकिन 3 स्टूडेंट्स पूरी तरीके से फंस गए। 3 जो इसके अंदर स्टूडेंट्स थे उनमें से 2 फीमेल स्टूडेंट्स थी और 1 मेल स्टूडेंट था। आप ये समझिए कि पानी का फ्लो किस तरीके से तेजी के साथ बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ इस पूरी रोड पर पानी ही पानी जो है वो भरा हुआ था। अभी भी आप देखेंगे तो बड़े स्तर पर जो नाले और सीवर की गाद है वो आपको यहाँ पर सड़क के चारों ओर यहाँ पर आपको नजर आएगी। बड़े बड़े पाइप के जरिए यहाँ पर पानी को जो है वो देर रात तक NDRF की टीम और फायर की जो टीमें उनको मशक्कत के बाद जो है वो बाहर निकालना पड़ा। अभी भी जो जितने भी यहाँ पर MCD के नाले हैं वो चौक पड़े हैं, उसको लेकर के कई बार कंप्लेंट्स जो है वो दी गई लेकिन किसी ने भी उस पर एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब ये हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन जो है वो जागा है, बड़ी बड़ी मशीन्स के जरिए यहाँ पर नालों को जो है वो फिलहाल साफ किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर MCD के जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आएंगे। आप ये समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा ये गंदगी है और ये गंदगी ने इस पूरे नाले को जो है वो चौक कर दिया। अभी भी ये नाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये नाला चौक नजर आएगा और इसके बाद अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो आगे की तरफ बड़ी बड़ी मशीनरीज के जरिए नाले को खोलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अभी भी अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं कि नाले का ये जो सीवर है वो पूरी तरह से यहाँ पर इसमें गाद जो है वो जमी हुई है, बड़ी बड़ी पॉलिथीन्स हैं, कूड़ा कचरा जो है वो अंदर की तरफ फंसा हुआ है, उसको अब बाहर निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है, सफाई की जा रही है। अगर ये सफाई लगभग 15 से 20 दिन पहले मानसून के आने से पहले की गई होती तो शायद ये दर्दनाक हादसा नहीं होता, 3 IAS स्टूडेंट्स की जान नहीं जाती। और ये पूरा अगर आप देखेंगे तो नाला पूरी तरीके से चौक है, अब इसको पूरी तरीके से क्लीन करने की कोशिश जो है वो MCD की टीम जो है वो कर रही है, जिसके कारण ये पूरा पानी जो है वो बेसमेंट के अंदर जो है वो बढ़ता चला गया और स्टूडेंट्स की जान चली गई।